दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जनवरी राशिफल तुला राशिफल। तुला राशि का जनवरी का महीना, नए वर्ष का पहला महीना, 2020 का पहला महीना कैसा है, कैसा जाएगा, क्या करें क्या ना करें, जानेंगे ग्रहों का गोचर का फल आपकी राशि पर कैसा रहेगा। उससे पहले आपको बता दें कि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है ये राशिफल। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने नाम राशि के अनुसार भी इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं। अब जान लेते हैं ग्रहों का गोचर क्या रहने वाला है। तो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य धनु राशि से निकल कर के मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मकर संक्रांति जो कि 15 जनवरी को करेंगे। दूसरा राशि परिवर्तन होगा शुक्र का, जो कि 8 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे मकर से निकल करके। अब ग्रहों का गोचर देख लिया, अब जानते हैं आपका राशिफल। राशिफल जानने से पहले आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और वीडियो पसंद आते ही लाइक कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तुला राशि वालों, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि से द्वितीयस्थ मंगल और तृतीयस्थ चतुर्ग्रही योग बनाकर सूर्य शनि केतु बृहस्पति बैठेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए स्वास्थ्य के लिए उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कतें, जैसे नज़ला इत्यादि हो जाना, आपके गले में कफ इत्यादि से आपको प्रॉब्लम आना, ये आपको देखने में आएंगे। अगर कोई गले से संबंधित इन्फेक्शन इत्यादि की शिकायत है, धूल मिट्टी इत्यादि से आपको एलर्जी है, तो उससे भी आपको बचना है। क्या नहीं करना है, खासकर अपने निजी जनों से, बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखने वाले लोगों से वार्तालाप ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो रिश्तों में मधुरता की कमी हो सकती है और आपको मानसिक अशांति भी हो सकती है। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की, शिक्षार्थियों की। शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी क्या करें क्या ना करें, ये ध्यान रखना। आप सबसे ज़्यादा आलस करने वाले हैं और आलस को त्याग देना ही आपको चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। शिक्षा विद्यार्थी, जो लोग विद्यार्थी हैं, सबसे उत्तम महीना जाएगा ये, लेकिन आपको मेहनत जो है बेहद खास कर देनी है। आपकी जो सफलता है वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, तो सफलता को देख करके का आप इतने ज़्यादा हंसी खुशी और इतने ज़्यादा खुश मत हो जाइए कि आप मेहनत करना कम कर दें या बंद कर दें, इससे आपको तगड़ा झटका भी लग सकता है, ये ध्यान रखिएगा। करियर को लेके आप जितना ज़्यादा गंभीर होंगे उतना ही करियर आपका बनता चला जाएगा। ये जनवरी का महीना आपके लिए बेहद शानदार हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। लव राशि फल में अगर हम आपको बताएं, लव पार्टनर के साथ में जो लव के जो संबंध हैं, प्यार प्रेमी प्रेमी प्रेमिका के संबंध हैं, जो लोग, मैं दाम्पत्य जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अविवाहित हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा समय रहेगा। दूसरा, काफ़ी झंझट पैदा होंगे, बात बात पर आपका लाइफ पार्टनर आपसे रुष्ट हो जाए, रूठ जाए, फिर मना लें आप उसे, और ऐसे ही काफ़ी चलता रहेगा, जिससे आपको गुस्सा भी बहुत आएगा और आप चिड़चिड़ेपन में भी बदल जाएंगे। दूसरा, दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी में मधुरता आएगी, दाम्पत्य में अच्छा समय रहेगा। संतान के लिए बेहद चिंतित होंगे आप, और धर्म अध्यात्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। कोई गुप्त कार्य आपका, अगर गुप्त क्रिया कोई भी कर रहे थे तो वो गुप्त कार्य बनने वाला है निश्चित ही, और शेयर मार्केट में निवेश इत्यादि किया है तो निश्चित ही लाभ देखने को मिलेगा, और निवेश नहीं किया है तो कर सकते हैं। बेहद शानदार रहेगा जनवरी का महीना शेयर मार्केट के निवेश के लिए। दूसरा, नौकरी में जो प्रमोशन पाना चाहते हैं क्या करें, इस महीने बजरंग बाण के 5 पाठ कर दें, नौकरी में प्रमोशन पक्का हो जाएगा।
व्यापार जो लोग बढ़ाना चाहते हैं, नया व्यापार करना चाहते हैं, समय सामान्य है, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो एक बजरंग बाण का पाठ नित्य करें, व्यापार में तरक्की आ जाएगी। आय ज़्यादा तो नहीं रहने वाली है, लेकिन अगर आप निश्चित ही कर्म करेंगे तो आय सामान्य नहीं रहेगी, बढ़ने वाली है। व्यय के अधिक होने से थोड़ी बहुत चिंताएं सताएंगी और जिम्मेदारियों का एहसास भी आपको पूरा रहेगा। आशा करते हैं आपको ये राशिफल पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।